गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वे सब अनम्यूट है ना? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी ईयर एंड होप सेम फॉर यू ऑल. बच्चा, आप लोग अभी देख रहे होंगे ना, कोरोना कितना बढ़ रहा है. सो प्लीज स्टे एट होम एंड वेन एवर यू नीड टू गो आउटसाइड, जस्ट वी हैव मास्क एंड कीप डिस्टेंसिंग फ्रॉम अदर्स एंड वॉश योर हैंड रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली. ओके बच्चा, कोरोना से बचना है तो अपने आप को पहले सबसे बचा के रखना है, ठीक है? मास्क पहन के निकलो अगर बाहर जाने की जरूरत है, अगर नहीं है तो घर पर ही रहो. आप लोग को लग रहा है कि मैडम इंग्लिश के पीरियड में ये कोरोना कहाँ से ले आई, तो हमें अपने अपने लेसन के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट और अपने सराउंडिंग के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है. और हमारा आज का जो लेसन है ये भी अपने सराउंडिंग पर, जो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने सराउंडिंग पर, अपने नेचर पर, आज उसी पर हमारा लेसन बेस्ड है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन 13, ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, फ्रॉम क्लास 7th. दिस पोएम बाय जॉयस किलमर. This poem by Joyce Kilmer is a beautiful description of nature. It is much like that of mother. ये जो हम poem पढ़ने जा रहे हैं Joyce Kilmer के द्वारा लिखी गई है. कौन से बोलो? या ये जो हम poem पढ़ने वाले हैं जो Joyce Kilmer के द्वारा लिखी गई है, ये एक tree के बारे में, nature के बारे में बहुत अच्छे से इसको describe किया हुआ है. Have you ever planted a sapling and seen it grow? If yes, share your experience with your classmates. क्या आपने कभी sapling लगाया है? Sapling यानी छोटा सा पौधा, और उसको लगाने के बाद उसको grow करते हुए देखा है? ये आप लोगों ने देखा होगा, जब बीज डालते हैं या छोटा सा पौधा लगाते हैं तो हम जब उसको watering करते हैं, पानी देते हैं, तो कहाँ पानी देते हैं उसको? Soil पर, मिट्टी पर देते हैं. और क्यों मिट्टी पर देते हैं? क्योंकि वो जो प्लांट है उसकी जड़ें कहाँ पर है, रूट्स कहाँ पर है, वो मिट्टी के अंदर धसी हुई रहती है, मिट्टी के अंदर दबी रहती है, और वो मिट्टी के अंदर से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? तो इसीलिए इसमें मैंने ये पूछा है कि क्या आपने कभी कोई प्लांट लगाया है, कोई सैपलिंग लगाई है और उसको बढ़ते हुए देखा है? अगर आपने देखा होगा तो ये जो एक्सपीरियंस है अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस करिए, शेयर करिए. नाउ कम टू द लेसन. Only God can make a tree. जैसे इसमें लेसन में ही कहा गया है कि जो हमारे आसपास देखते होंगे, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, और उन बहुत सारी चीजों में कुछ है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ह्यूमन बींग्स बना ही नहीं सकते, जो कि केवल गॉड ही बना सकते हैं, ईश्वर ही बना सकते हैं. जैसे आप लोग देखते होंगे नदी है, पहाड़ है, सूरज है, सन, मून, स्टार्स, ये सब भगवान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? तो आज एक ऐसी चीज देखेंगे जो भगवान की कृति है, गॉड ने ही बनाया, और उस कृति को भगवान ही बना सकते हैं. दैट इज ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री. जो ट्री जो है इसको केवल गॉड ही बना सकते हैं. आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे And lifts her leafy arms to pray. कुछ new words देख लेते हैं. Pressed यानी कि दबा हुआ, pray यानी प्रार्थना, leafy arms यानी कि शाखाएं. बच्चे, आप लोगों ने हिंदी में भी देखी होगी ना, कविताएं में शब्द का शब्दशः अर्थ नहीं निकलता है, जो लिखा हुआ होता है उसका अलग, उसके अनुसार नहीं होता है, उससे अलग ही निकलता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर pressed, वो pressed का ही एक रूप है जो लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है दबा हुआ. प्रे यानी कि प्रार्थना, लीफी आर्म्स. अब पेड़ की लीफी आर्म्स कौन से होंगे? पेड़ की शाखाएं जो कि पत्तेदार है, ठीक है? आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी. मैं तो सोचता हूं कि मैं ऐसा नहीं देखूंगा कभी, या देखने नहीं मिलेगा. क्या देखने नहीं मिलेगा? अ पोयम लवली एज अ ट्री. मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसा एक ट्री होता है उसकी तरह लवली, उसकी तरह प्यारा मैं पोयम नहीं देख पाऊंगा. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो प्लांट आप लोगों ने देखे होंगे, ट्री, प्लांट, छोटे पौधे, पेड़, तो उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर धसी हुई होती है, और वो जो ट्री है वो रूट के द्वारा ही जमीन से अपना पोषण
लेती है अपना न्यूट्रिएंट्स, वो लेती है। जैसे आप लोगों ने छोटे बच्चे को देखा होगा, इन्फेंट बेबी, वो अपनी माँ के सीने से लग करके वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, फीड करता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पर ट्री को एक बच्चे की तरह बताया गया है, जो अर्थ मदर को, अर्थ को क्या कहते हैं, मदर कहा गया, धरती माँ कहते हैं हम। तो ये जो ट्रीज है इसको एक चाइल्ड की तरह बताया गया, जैसे एक चाइल्ड अपनी माँ के सीने से लग करके उससे वो अपना पोषण लेता है, उसी तरह एक ट्री, ट्री की जो जड़ें जो है वो कहाँ पर, अर्थ में है। तो अर्थ को यहाँ पर क्या कहा गया है, मदर, और ये ट्री है एक बच्चे की तरह उस मदर अर्थ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेती है। अ ट्री हूज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, हंग्री यानी कि भूखा, उस जो ट्री है उसका जो हंग्री माउथ है वो ब्रेस्ट पर है, धरती माँ के ब्रेस्ट पर है, और वो अपना वहां से भोजन ले रही है वो ट्री। अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और आप लोगों ने ट्री को देखा होगा ब्रांचेस निकली होती है, तो उसकी ब्रांचेस ऐसा लग रहा है जैसे वो गॉड से प्रे कर रही है ऑल डे, वो पूरे दिन वो गॉड से प्रे कर रही है। जैसे आप लोगों ने इमेज में भी देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ब्रांचेस निकली हुई है जिसको लीफी आर्म्स कहा गया है, वो अपने लीफी आर्म्स को लिफ्ट किए हुए है, मतलब अपने लीफी आर्म्स को ऐसे उठाए हुए है, और ऐसा लग रहा है मानो वो पूरे दिन गॉड की तरफ देख रही है वो ट्री, और उससे वो प्रार्थना कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो पोएट है जॉयस किलमर है वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं देख पाऊंगा अ पोयम लवली एज अ ट्री, ऐसा कोई पोयम नहीं होगा जो ट्री की तरह ही लवली हो, सुंदर हो, प्यारा हो, ठीक है। और जो पेड़ जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, उसका हंग्री माउथ, रूट्स को कहा गया हंग्री माउथ, जो कि मदर अर्थ पर वो प्रेस्ड है और उसके ब्रेस्ट से लग करके, उसके सीने से लग करके वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। और ट्री को देखिए ऐसा लग रहा है मानो वो अपने लीफी आर्म्स को लिफ्ट किए हुए है, उठाए हुए हैं, जैसे आप पिक्चर पर देख सकते हैं अपने लीफी आर्म्स को वो उठाए हुए है, और पूरे दिन वो गॉड की तरफ देख रहा है और वो प्रे कर रहा है। A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, whose intimately lives with rain. Poems are made fools like me, but only God can make a tree that may in summer wear. यहाँ सीजन के बारे में बताया गया है। सीजन समर यानी क्या होता है, गर्मी का महीना जो कि मई में आता है, जिसको हम मई कहते हैं। ओके, तो A tree that may in summer wear, sorry यहाँ पर may मॉडल्स है, A tree that may in summer wear, जो ट्री जो है वो समर, समर का जो महीना आता है, गर्मी का जो महीना आता है उसमें वो पहनती है, क्या पहनती है, A nest of robins in her hair। आप लोगों ने देखा होगा कुछ पेड़ इतने घने होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उसके सिर के बाल हो, है ना। जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाती हूँ, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके वो ट्री के हेयर है वो, तो उस हेयर को क्या कहा गया है। यहाँ पर जो रॉबिन एक बर्ड, एक टाइप का बर्ड्स है, रॉबिन बर्ड्स जो है वो अपना नेस्ट बनाती है, कहाँ बनाती है, वो इस ट्री की शाखाओं पर, तो वो उसके हेयर पर, उसकी शाखाओं पर बनाती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मी के समय में, समर सीजन में ट्री ने रॉबिन्स का पूरा नेस्ट पहन लिया हो, यानी कि उस गर्मी के सीजन में रॉबिन्स जो है, रॉबिन बर्ड्स जो है वो पूरा नेस्ट बना करके उस ट्री के, ट्री को घेर लिए हुए हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो ट्री जो है वो समर, गर्मी के महीनों में वो रॉबिन्स का नेस्ट पहने हुए हैं। अपॉन हूज बुजम स्नो हैज लेन, हूज इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। हेयर यानी यहाँ पर शाखाओं को कहा गया है, बुजम यानी कि छाती, चेस्ट, इंटीमेटली यानी कि घनिष्ठता से। ओके, अपॉन हूज बुजम स्नो हैज लेन, लेन याने होता है फैला हुआ, तो जिसके बोजम पर यानी कि छाती पर, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्री के बोजम पर क्या होगा है, स्नो फैला हुआ है, बोजम यानी कि छाती या चेस्ट, उस पर जो है स्नो फैला हुआ है। हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन, हु इंटीमेटली मतलब हु किसके लिए कहा गया, ट्री के लिए। ट्री समर सीजन के बाद क्या आता है, रेनी सीजन आता है ना, तो रेनी सीजन में क्या होता है, जैसे जैसे रेन होती है तो ट्री भी बढ़ने लगता है उसके साथ में। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ट्री और रेन का कितना घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जैसे अगर बारिश नहीं होती है तो पेड़ भी सूखने लगते हैं, है ना बच्चों।
तो यहाँ पर दिखाया गया कि ट्री और रेन यानी कि बरसा बरसात के पानी और पेड़ का कितना घनिष्ठ संबंध है। हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। पोएम्स जो है वो मेरे जैसे बेवकूफ के द्वारा बनाया जा सकता है, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। लेकिन ट्री जो होते हैं ये केवल गॉड ही बना सकते हैं। यहाँ पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, यहाँ पोएट क्या कह रहे हैं कि फूल्स लाइक मी, यानी पोएट ये कहना चाह रहे हैं, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो पोएम्स है, कविताएं जो है, ये कोई भी बना सकता है। कोई फूल्स यानी कि बेवकूफ जिनके पास ज़्यादा क्रिएट करने की क्षमता नहीं है वो भी बना सकते हैं, लेकिन ट्री जो है ये केवल गॉड ही बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ट्री को एक चाइल्ड की तरह बताया गया है, और यहाँ पर सभी सीजन में एक ट्री का डिस्क्राइब किया गया। जैसे समर में कहा गया है कि जो रॉबिन जो बर्ड्स है वो अपना नेस्ट आके बनाती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ट्री के हेयर पर अपना नेस्ट बनाए हुए हैं। और जो ट्री है उसके बोजम पर, उसके सीने पर स्नो फैला हुआ है। जब स्नोफॉल होता है, ठंडी के सीजन में स्नोफॉल होता है, तो जो स्नो जो है वो पूरे ब्रांचेस को घेर लेती है, ब्रांचेस पर फैल जाती है। और रेनी सीजन में जब आता है तो जो ट्री है वो रेन के साथ बढ़ने लगती है। मतलब उन दोनों की घनिष्ठता को दिखाया गया है। अगर रेन होती है तो ट्री भी बढ़ने लगता है, अगर रेन नहीं होती है, बरसात नहीं होती है, तो ट्री सूखने लगता है। मतलब इन दोनों की इंटीमेसी को, घनिष्ठता को यहाँ बताया गया है। और लास्ट में पोएट ये कहते हैं कि पोएम्स जो है ये कोई भी फूल्स मेरी तरह, कोई भी फूल्स यानी कि बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जो ट्री जो होते हैं ये केवल गॉड ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बच्चे लोग कि ट्री को किस तरह से एक डिस्क्राइब किया गया है, और ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है कि ट्री कितना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप भी ट्री लगाइए, क्योंकि ट्री बनाने का काम तो गॉड का है लेकिन लगाने का काम हमारा है। और जैसे आप लोगों ने देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ज़रूरी है कि हम भी अधिक से अधिक प्लांट लगाएं अपने स्कूलों में, अपने घर के आसपास। ये अभी हमको इसका परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन ये जब 5-6 साल बाद जब बड़े हो जाएंगे तो लगेगा कि हाँ ये हमने लगाया था और इसका फल हमको अभी मिल रहा है। ओके बच्चों, तो ये आप लोगों ने समझ गए कि जो पोएट है, जॉयस किलमर है, कवि है, उन्होंने क्यों ऐसा कहा है कि जो प्लांट है, जो ट्री जो है, ये केवल गॉड ही बना सकते हैं। तो इंसान तो हर कुछ बना सकता है, बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, लेकिन ट्री को वो नहीं क्रिएट कर सकते, वो नहीं बना सकते हैं। हम केवल ट्री को लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमारा छोटा सा पोएम था ये, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पुट अ टिक मार्क ऑन द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। फर्स्ट है द ट्री इज लाइक, ट्री जो है वो किसकी तरह है। ऑप्शन ए है अ मदर, ऑप्शन बी अ चाइल्ड, ऑप्शन सी है गॉड, और ऑप्शन डी है द अर्थ। आप जब आंसर बोलेंगे तो अनम्यूट कर लीजिएगा। सर इनको अनम्यूट कर दिए ना, पार्टिसिपेंट सही कि नहीं, भास्कर सर पार्टिसिपेंट सही कि नहीं। बच्चों आप लोग आंसर देने के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। आपको बताना है कि जो ट्री इस पोएम में देख रहे हैं ना, ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, इसमें ट्री को किसकी तरह बताया गया है, एक मदर की तरह, या बी एक चाइल्ड की तरह, या सी गॉड की तरह, या डी अर्थ की तरह। किसकी तरह बताया गया ट्री को, पेड़ को किसके जैसे बताया गया है। हाँ राइट आंसर है अ चाइल्ड। जैसे मैंने बताया ना पोयम में, आंसर देख लेते हैं, आंसर है अ चाइल्ड। मैंने जैसे पोयम में बताया कि एक बच्चा जो है अपनी माँ के सीने से लगकर कैसा उनसे पोषण लेता है अपनी माँ से, इसी तरह ट्री को भी बताया गया है कि ट्री का जो हंग्री माउथ, जड़ को कहा गया है, रूट्स को कहा गया है हंग्री माउथ, जो कि कहाँ पर प्रेस्ड है, अर्थ पर, मदर अर्थ में वो धरती पर वो दबा हुआ है, और जड़ से ही वो क्या लेती है, अपना पोषण लेती है, न्यूट्रिएंट्स ले रही है। ठीक है, क्योंकि हम पानी डालते हैं या जो भी हम उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या करना चाहिए, खाद बोलना चाहिए, ठीक है, ये कहाँ डालते हैं, हम मिट्टी में डालते हैं, और उस सॉइल से, मिट्टी से जो ट्री की रूट्स है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ चाइल्ड, द ट्री इज लाइक अ चाइल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है द ट्री इज फेड बाई, ट्री जो है किसके द्वारा खाना खिलाया जाता है, ट्री किसके द्वारा, ट्री को किसके द्वारा खाना खिलाया जाता है, या ट्री किसके द्वारा अपना खाना लेती है, पेड़ जो है अपना खाना कैसे ग्रहण करती है। तो उसके लिए ऑप्शंस है अनदर ट्री,
दूसरे पेड़ की सहायता से, या ऑप्शन बी मदर अर्थ धरती माँ के द्वारा, सी गॉड से, या डी द रॉबिन। द रॉबिन यानी कि यहाँ पर बर्ड्स को कहा गया है। तो बताइए ट्री को किसके द्वारा खाना मिलता है? मदर अर्थ। जी करेक्ट आंसर है बी मदर अर्थ। ठीक है, इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, द हेयर ऑफ द ट्री इज इट्स। यहाँ पर हेयर किसको कहा गया है? यहाँ पर जैसे बताया गया ना, जो रॉबिन बर्ड्स आती है समर सीजन में, वो इस ट्री पर अपना नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है। तो हेयर्स पर, यहाँ पर ट्री हेयर्स तो ह्यूमन बीइंग के होते हैं और कुछ एनिमल्स में होते हैं, ट्री के हेयर्स होते हैं क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पर ट्री को ट्री के हेयर्स बताया गया है। जैसे आप लोगों ने हिंदी की कविताओं में देखा है ना, मानवीकरण, यहाँ पर भी पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। इंग्लिश ये भी एक लैंग्वेज है, और जिस तरह से हिंदी में भी अलंकार छंद होते हैं, इंग्लिश में भी इसी तरीके से बहुत सारे अलंकार और छंद होते हैं। तो इसमें जो ट्री को एक मदर, एक चाइल्ड की तरह बताया गया है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बताया गया है, तो यहाँ पर ट्री का पर्सनिफिकेशन किया गया है एक ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब पेड़ को एक मनुष्य की तरह बताया गया है। और इसमें मनुष्य, इसको एक फीमेल की तरह बताया गया है, क्योंकि इसमें हर वर्ड का यूज़ किया गया जो कि फीमेल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्री को एक पर्सनिफिकेशन रूप दिया गया है, मानवीकरण रूप दिया गया है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक औरत की तरह, या कह सकते हैं एक छोटी बच्ची के जैसे। ठीक है, तो हेयर्स ऑफ द ट्री इज इट्स, यहाँ पर जो ट्री के जो हेयर है वो किसको बताया गया है? ऑप्शन स्टेम, उसके तने को, बी ब्रांचेस शाखाएं को, या सी फ्लावर्स फूलों को, या डी रूट्स को। किसको कहा गया है यहाँ पर ट्री के हेयर्स? ब्रांचेस। ब्रांचेस करेक्ट आंसर है ब्रांचेस। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज द ट्री वेयर ड्यूरिंग समर? ट्री जो है वो समर में क्या पहन लेती है? ट्री के बारे में बताया ना कि ट्री जो है पूरे टाइम गॉड की ओर देखती रहती है और प्रार्थना करती है। और समर सीजन में क्या होता है, कौन आता है उसके हेयर्स पर, किसके नेस्ट बनते हैं? रॉबिन बर्ड्स के। ओके, आंसर है द ट्री वेयर्स द नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन इट्स ब्रांचेस ड्यूरिंग समर। समर के दौरान यानी कि गर्मी के दौरान क्या होता है, जो इस ट्री की जो ब्रांचेस है उसमें चारों तरफ रॉबिन का नेस्ट बन जाता है, घोंसला बन जाता है, और ऐसा लगता है कि ट्री में नेस्ट ऑफ रॉबिन पहने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लिव्स इंटीमेटली विद द ट्री? कौन है जो ट्री के साथ घनिष्ठता से रहता है? आंसर बोलिए। यहां पर इस पोयम में हमने देखा ना, हु लिव्स इंटीमेटली विद ट्रीज, पेड़ के साथ घनिष्ठता के साथ कौन रहता है? रेन। आंसर देख लेते हैं, रेन। रेन लिव इंटीमेटली विद द ट्री। आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के घर के पास भी गर्मी के सीजन में क्या होता है, समर सीजन में सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आता है और जैसे ही उस सॉइल पर वाटर गिरता है, रेन वाटर गिरता है, तो सारे ट्रीज जो है वो ग्रीन होने लगते हैं, यानी कि वो इंतजार करते हैं रेन का, क्योंकि हर प्लांट्स को, हर ट्री प्लांट को रेन पसंद है। और वो जैसे जैसे वो रेन बढ़ता है, बारिश बढ़ती जाती है, उसकी हरियाली भी, ट्री की हरियाली भी बढ़ती जाती है। इसलिए कहा गया है रेन लिव इंटीमेटली विद द ट्री। ट्री और जो रेन का इसका संबंध घनिष्ठता का है, इसलिए रेन लिव इंटीमेटली विद द ट्री। वॉट ले इन द बुजम ऑफ द ट्री? बुजम यानी होता है चेस्ट या छाती। तो ट्री के बुजम पर कौन फैला हुआ है, कौन रहता है? आंसर है स्नो ले इन द बुजम ऑफ ट्री। जैसे विंटर सीजन आता है तो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ हमारे यहाँ तो स्नोफॉल नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, जब स्नोफॉल जब होता है तो सारे पेड़ की जो शाखाएं हैं वो भी स्नो से ढक चुकी रहती है। स्नो यानी कि बर्फ, ठीक है, वो भी बर्फ से ढकी रहती है।
तो ये जो ऐसा कहा गया है जैसे कि ट्री का जो बोजम है उसका जो छाती है उस पर स्नो आकर के ठहर गया है, रुक गया है, उस पर लेटा हुआ है या फैला हुआ है। अब कुछ ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। वोकेबलरी, आप लोगों ने हिंदी में देखा होगा ना, कविताएं जब बनती है तो उसके लाइन के आखिरी में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो नेक्स्ट लाइन से मिलता जुलता रहता है, और उनके आखिरी जो वाले जो शब्द होते हैं वो तुकबंदी वाले होते हैं, है ना। और ये तुकबंदी वाले शब्दों के कारण ही हमको पोयम याद रह जाता है। यही चीजें को कहते हैं राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में, जिसको तुकबंदी कहते हैं हिंदी में उसी को कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फाइंड आउट द राइमिंग पेयर ऑफ द वर्ड्स। जैसे राइमिंग वर्ड्स यानी कि जैसे बुक बुक, जैसे सेम साउंड तो क्या हो जाएगा, लुक टुक, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इनके साउंड जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब सुनने पर ऐसा लगेगा जैसे कि एक तरह का साउंड आ रहा है, इसकी स्पेलिंग सेम नहीं होती है, केवल साउंड सेम होता है। तो हम कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिखा रहे हैं, आपको पेयर बनाना है कि कौन सा पेयर है। यहाँ पर बहुत सारे बलून्स दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, इस हर एक बलून पर एक कुछ वर्ड लिखा हुआ है, और इन सब बलून्स पर कोई दो पेयर में, यानी कि दो दो का पेयर। यहाँ पर 8 बलून्स दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 4 पेयर्स बनेंगे, और इन 4 पेयर्स में जो है सारे जो है वो एक दूसरे के राइमिंग होंगे, यानी कि तुकबंदी वाले होंगे। जैसे कि यहाँ पर है पहला हेयर, सेकेंड बलून पर है डे, थर्ड पर है सी, नेक्स्ट पर प्रे, ट्री, वेयर, लेन, रेन। तो आप पढ़ करके देखिए, आपको लगेगा कि कुछ साउंड है जो सिमिलर है। तो यहां पर हेयर का क्या हो जाएगा, हेयर क्या साउंड करे उसके जैसे, हेयर का क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है। डे, डे के साउंड कौन कर रहा है, डे का साउंड कैसा है, प्रे, डे प्रे। सी का हो जाएगा सी ट्री, और रेन का रेन लेन। ओके बच्चों, चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। ये है सी का क्या हो जाएगा, ट्री। तो ये सुनने में सेम लगता है सी ट्री, कभी कभी जब डिक्टेशन होता है ना तो हम यही मिस्टेक कर जाते हैं, हमको लगता है कि हमने सुना ये है और लिखते कुछ और है, क्योंकि राइमिंग वर्ड का क्या है, साउंड कुछ कुछ सेम रहता है ना, सी ट्री वेयर हेयर रेन लेन, और लास्ट है डे प्रे। चलिए कुछ और राइमिंग वर्ड्स बनाते हैं हम। राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स क्या है, हमारे शब्द भंडार को बढ़ाता है, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश में हम केवल 26 लेटर से, 26 लेटर से पूरी बुक लिखी जाती है। तो ये जो 26 लेटर्स है इनको जब हम अरेंज करते हैं, लेटर्स ग्रुप ऑफ लेटर्स को अरेंज करते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। तो नया वर्ड वो वर्ड सार्थक है, मीनिंगफुल है, कब कहलाएगा, जब उसमें 3S हो। 3S यानी कि उसका साउंड हो, ठीक है, साउंड यानी कि उसका प्रोनंसिएशन, और सेकंड उसका सेंस हो, सेंस यानी कि उसका मीनिंग निकले, और थर्ड है शेप, शेप यानी कि उसकी स्पेलिंग, ठीक है। तो बच्चे इंग्लिश में हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई वर्ड है अगर उसका सेंस है, मीनिंग निकल रहा है, उसका जो लेटर्स है वो सिस्टमेटिक है, यानी कि उसका जो मीनिंग वर्ड जो है उसका शेप प्रॉपर शेप है, और उसका जो प्रोनंसिएशन है ये अगर तीनों सही है, तो इसका मतलब आपने जो भी वर्ड लिखा है वो सही है। तो ये कोई भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड ले, अगर उसमें 3S कहा जाता है, इसको 3S फॉर्मूला अगर ये है तो आप जो भी वर्ड लिखे हैं वो सही है, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड इसलिए बताया जाता है ताकि आप अपने से वर्ड्स बनाना सीखे। तो यहाँ पर बताइए, राइट से राइट के जैसा मिलता जुलता शब्द कौन कौन सा है, लाइट और राइट लाइट ब्राइट, और बोलिए बोलते जाइए, ब्राइट राइट कहा, ब्राइट काइट माइट, ठीक है। अब बताइए BOLD बोल्ड का, बोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या क्या हो सकता है, कोल्ड कोल्ड, वेरी गुड, नेक्स्ट कोल्ड, कोल्ड और और
कोल्ड, होल्ड, सोल्ड, आप लोगों ने देखा होगा ना कई सारे दुकानों में कुछ चीज जब बिक जाती तो लिखा रहता है सोल्ड, यानी कि वो बिक चुका है ना। तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे देखते जाइए, आपको याद आते जाएगा, और आपको देखिएगा शब्द भंडार में इतने सारे शब्द आ जाएंगे कि आपको लगेगा अरे मुझे तो बहुत सारी इंग्लिश आती है, और हम तो फालतू में रोते रहते कि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। तो वो जो इंग्लिश आपके माइंड में है उसको अपने मुंह से बाहर निकालिए, ठीक है, बोलते जाइए। केवल मैंने तीन ब्लैंक्स यहाँ पर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि बोल्ड या राइट या कुक, इन तीनों वर्ड्स केवल तीन राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं है। राइमिंग वर्ड्स आप कितना भी बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कोई भी वर्ड्स आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल होने चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उसका लेटर है वो सिस्टमेटिक होने चाहिए, फिर आप जो भी वर्ड बनाए वो सही कहलाएगा। तो आप कुछ भी वर्ड बोलिए, बोल्ड से जैसे बता दिया होल्ड, कोल्ड, सोल्ड, ठीक है। अब कुक से बनाइए, कुक का राइमिंग वर्ड बताइए। बुक बुक, वेरी गुड, जब डेली यूज करते हैं बुक। और इस लेसन में भी एक वर्ड आया है, बताइए जल्दी बोलिए, आप और बहुत सारे डेली डेली यूज करते हैं, डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं, हुक, सुने ना, हुक, बुक, हुक, लुक लुक, टुक, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ पर मैंने केवल तीन ब्लैंक्स दिया है, ये इसका मतलब ये नहीं कि राइमिंग वर्ड्स तीन में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आप जितना चाहे बढ़ाते जाए ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इसी के द्वारा ही हमारी जो वोकेबलरी है, हमारा जो शब्द भंडार है, ये बढ़ते जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं हमने क्या बनाया है। राइट का जैसे मैंने बनाया है ब्राइट, माइट, साइट, काइट, नाइट, ठीक है। अब आपको सुनकर के बहुत सारे वर्ड्स ध्यान में आएंगे, नाइट ये हमारे ध्यान में आया ही नहीं, नाइट जो हम डेली यूज करते हैं, गुड नाइट बोलते हो कि नहीं, नाइट है ना, नाइट, काइट, ब्राइट, साइट, ठीक है। वैसे ही बोल्ड का कोल्ड, सोल्ड, गोल्ड, सबका साउंड क्या जाता है, एक जैसा जाता है, सिमिलर साउंड। सिमिलर साउंड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। कुक का क्या हो जाएगा, टुक, बुक, लुक, हुक, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप बनाते जाइए बनाते जाइए, आप देखेंगे कि आपके पास शब्द भंडार की संख्या बढ़ती जा रही है। ओके, अब है आपके लेसन में है पैराग्राफ राइटिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट ट्री, टेक अ हेल्प ऑफ द क्वेश्चन गिवेन। हमारे लाइफ में आप डेली देखते होंगे कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिसको देख करके लगता है कि अरे ये तो, जैसे हम कुछ फ्रूट को देख के लगता है ना कि ये फ्रूट मुझे बहुत पसंद है, तो हम उसके बारे में फटाफट बोल लेते हैं, उसका टेस्ट बता सकते हैं, उसका कलर बता सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको अपने फेवरेट ट्री के बारे में लिखना है, ठीक है। ट्री यानी कि पेड़, फेवरेट यानी कि अपना जो सबसे पसंदीदा पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं तो उसमें से किसी एक पेड़ के बारे में आपको लिखना है, और लिखना क्या है, विच इज योअर फेवरेट ट्री। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि आपका फेवरेट ट्री यानी कि आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है, जैसे कि मान लो माई फेवरेट ट्री इज मैंगो ट्री, मुझे आम का पेड़ बहुत पसंद है, ठीक है। अब वेयर इज इट सिचुएटेड, यानी कि ये पेड़ कहाँ लगाया गया है, कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, या स्थापित किया गया, पेड़ को आपने कहीं लगाया है तो उसको बोल सकते हैं कि ये आपने, या फिर आपने इस पेड़ को कहाँ देखा है, ठीक है। तो ये पेड़ मैंने अपने घर में देखा है, मैंने अपने घर के बगीचे में लगाया है, ठीक है। हाउ डू यू केयर फॉर इट, आप इसकी केयर यानी कि देखभाल कैसे करते हैं। आम के पेड़ आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आपने आम को पेड़ को कहाँ लगाया है, कहाँ सिचुएट किया है, उसके बाद आपने लगाया है उस पेड़ को तो आप उसकी केयर कैसे करते हैं। और लास्ट है हाउ इज इट यूजफुल टू यू, जो मैंगो ट्री है, जैसे मैंने मैंगो ट्री के बारे में बताया तो ये मैंगो ट्री मेरे लिए यूजफुल कैसे है, यूजफुल यानी कि लाभकारी, मेरे लिए लाभकारी कैसा है, क्योंकि इसका जो फ्रूट है मुझे बहुत पसंद है, इसका जो कच्चा वाला जो आम होता है इसका हम अचार बना सकते हैं, पके आम को हम खा सकते हैं, इसकी जो लीव्स है इसको हम अपने घर में जब भी पूजा होता है तो यूज करते हैं, यहाँ तक इसका जो स्टेम है ये भी काम आता है, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ ट्री के बारे में लिखिए जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। हो सकता है वो कुछ फ्रूट ट्री हो, या जैसे नीम के बारे में भी कितना लिख सकते हैं आप, नीम जो कि नीम का जो है इसका फ्रूट से लेकर के रूट तक सभी पार्ट जो है इसका यूजफुल है, ठीक है।
कितनी भी बड़ी बीमारी हो शुगर की, इसमें नीम का यूज किया जाता है और नीम के पत्ते इसको तो आप जानते होंगे और ये इजीली अवेलेबल है। तो बच्चों ऐसे ही आप आसपास अपने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए ताकि हमको खोजना ही ना पड़े कि नीम का पेड़ कहाँ पर है, आम का पेड़ कहाँ पर है, ठीक है। और आप देखेंगे कि कुछ सालों में जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो ये आप ही को वापस, ये जो आपने जिसकी जो केयर की है ना वो आप किसी तरह से केयर करेंगे। जब आप गर्मी में समर सीजन में जब थक करके बैठेंगे तो यही पेड़ के शेडो में आप बैठेंगे, यही पेड़ आपको छाया देंगे। तो आप जितना भी हो सके, अभी आप छोटे हैं, आप अपने घर के आसपास जहां आपको जगह मिलता है आप प्लांटिंग कीजिए, ठीक है। तो ये आपको राइटिंग सेक्शन का आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपको जो भी आपका फेवरेट ट्री है उसके बारे में बताना है, आपका फेवरेट ट्री कौन सा है, वो कहाँ लगाया गया है और आप उसकी केयर कैसे करते हैं और वो जो प्लांट है या ट्री है वो आपके लिए यूजफुल कैसा है। तो थोड़ी देर में 5 मिनट में थोड़ी। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ना कि जॉयस किलमर जो एक पोएट है वो आपको बताया है कि ये जॉयस किलमर इस पोयम के बारे में क्या कहते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज अ ट्री, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोविंग ब्रेस्ट, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। तो ये जॉयस किलमर ने इस ट्री के बारे में बताया है कि उसका हंग्री माउथ है, वो धरती में दबा हुआ है और वो मदर अर्थ से अपना न्यूट्रिएंट्स ले रही है। हम इसमें ग्रामर सेक्शन में कुछ देख लेते हैं। आप लोगों को पता है ना एक्शन वर्ड्स के बारे में, तो यहाँ पर एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। एक्शन वर्ड्स जिसको हम वर्ब भी कहते हैं, क्रिया शब्द, ठीक है, हिंदी में कहते हैं क्रिया शब्द और इंग्लिश में ही कहलाता है वर्ब, जिसको एक्शन वर्ड्स कहा जाता है। वर्ब यानी कि जिसमें कुछ एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है बताइए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं सी दिख रहा है, सी सी क्या है यहाँ पर, वर्ब है। उसके अलावा और कौन सा वर्ब है, यहाँ पर एक और वर्ब है प्रेस्ट, ठीक है, और लुक्स ये भी एक एक्शन वर्ड है। यहां पर भी क्रिया हो रही, देखने की क्रिया हो रही है, ठीक है। इसी एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब्स कहते हैं। और एक यहां पर है लिप्स, और कुछ दिख रहा है इसमें एक्शन वर्ड, और लास्ट एक एक्शन वर्ड प्रे। तो कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो केवल लेसन पढ़ के हमको छोड़ नहीं देना कि क्वेश्चन आंसर हो गया, उसमें आपको खोजने की कोशिश करनी है कि इसमें हम क्या क्या और ग्रामर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर का हमारे बुक्स में अलग से ग्रामर पोर्शन नहीं दिया गया, हमको साथ साथ में ही पढ़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया एक्शन वर्ड्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और उसमें क्या क्या एक्शन वर्ड्स है। यहाँ पर क्या है, स्नो है इसलिए लीव्स, लीव्स यानी कि रहता है, ठीक है। और कौन सा एक्शन वर्ड है यहाँ पर, मेड, ठीक है, बट ओनली गॉड कैन मेक। फिर यहाँ पर मेक आया है ये भी, ठीक है, मेक का ही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही मेड है। ओके बच्चों, तो ये हमारा छोटा सा पोयम था, इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये भी अभी खत्म नहीं करी, सभी होमवर्क है। तो जैसे आप लोगों ने अभी आप लोग 7th में हैं, तो 7th में कोई भी एक सेंटेंस लिखा जाता है तो आप लोगों को ग्रामर पोर्शन में पढ़ाया होगा या पढ़ाया जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं या ग्रामर में जो होते हैं सेंटेंस का वर्ब, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये 8 प्रकार 8 तरह के होते हैं, तो इनको छांटने आना चाहिए कि कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो ये लेसन पढ़ते पढ़ते हमको समझना है, ठीक है। तो लेसन खत्म करने से पहले आपके लिए होमवर्क है, राइट 5 लाइन्स अबाउट ट्री। आपको ट्री के बारे में 5 लाइन लिखना है, जैसे अब इसके पहले हमने राइटिंग सेक्शन में देखा था अपने फेवरेट ट्री के बारे में, जो ट्री आपको पसंद है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है ओवरऑल हम ट्री के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। ट्री जैसे आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा कि ट्री के साथ हमारा कैसा कनेक्शन है,
ट्री को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और उनसे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अगर यही ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा तो हमारी लाइफ वहीं पर फिनिश हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है, और ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है, ट्री से। ठीक है बच्चों, तो आप इसके बारे में लिखिए, ट्री से हमको क्या क्या मिलता है। ट्री से हम क्या क्या बना सकते हैं, फर्नीचर, ये ट्री से ही मिलते हैं हमको, ट्री से मिलता है, यानी कि हम ट्री के ब्रांचेस से बनाते हैं। मेडिसिन, वेजिटेबल्स, ये सब हमको इसी से ही मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमको ट्री से क्या फायदे होते हैं, और ट्री के क्या क्या, ये जो आप ट्री के बारे में जानते हैं उनका 5 लाइन में आप लिखिए, और अपने घर में किसी बड़े को दिखाइए, जो आपके ब्रदर सिस्टर बड़े हो, या अपने टीचर को दिखाइए, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करिए। ओके बच्चों, तो हम यहीं पर अपना लेसन खत्म करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। Listo.